हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव कॉमर्स। चलिए मिलते हैं हम अपने चैनल पे। और एक बार फिर से इंस्ट्रक्शन दे दूं आपको, अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें मेरे सारे नए वीडियोस को देखने के लिए। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ईजी सूपी राइस रेसिपी। ये बहुत ही ईजी रेसिपी है। चलिए फटाफट इसके इन्ग्रीडियंट्स हम देख लें। मैंने इसके लिए प्याज लिया है, गाजर और शिमला मिर्च को बारीक काट के लिया है। ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने काट लिया है। और साथ में मैं ये जिंजर और गार्लिक ले रही हूँ। अदरक और लहसुन को मैं खल से कूट लेती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से मैं इसे कूट ले रही हूँ। ये हमारा क्रश रेडी है अदरक लहसुन का। और हम सारे टोटल इंग्रेडिएंट्स मैं साथ में आपको दिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने खुद के कोई मसाले यूज़ नहीं किए हैं। ये मैंने सेजवान राइस का मसाला यूज़ किया है चिंग का, और साथ में ये मनचाओ सूप यूज़ किया है मैंने चिंग का। पर इसे मैं कैसे बनाने वाली हूँ ये आपको दिखाती हूँ भी जल्दी ही अपनी ट्रिक से। मैंने सब्जियों को बारीक काटा है क्योंकि मेरे बच्चे भी इसे इजीली खा ले। अगर आप बड़ा बड़ा काटेंगे तो वो कभी कभी निकाल देते हैं, तो मैं छोटी छोटी पीसेस काटी हूँ, बारीक काटी हूँ। इसके लिए हमें राइस लगेगी। राइस मैंने पहले से पकी हुई राइस ली है। आप चाहे तो रात की बची हुई राइस, आपके पहले की बची हुई राइस भी यूज़ कर सकते हैं, या ताज़ा राइस बना के उसे ठंडा करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो फटाफट से हम कढ़ाई को गरम कर लेते हैं। और उसमें मैंने सनफ्लावर ऑयल ऐड किया है। और इस ऑयल को गरम होने के बाद मैं इसमें प्याज को ऐड कर रही हूँ। प्याज को डालने के बाद हम इसे हल्के हाथों से चला लेंगे। बहुत ज़्यादा भी हमें कोई भी वेजिटेबल को नहीं पकाना है। हम हल्के हाथों से बस इसे चला रहे हैं। ये जब थोड़ा पक जाए तो हम इसमें अदरक और लहसुन ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने इसमें अदरक लहसुन डाल दिया है। और फिर से इसे थोड़ा चला लेती हूँ। दोस्तों ये बहुत ही इजी रेसिपी है। हालांकि मसाले मैंने रेडीमेड यूज़ किए हैं, पर फिर भी बनाने का तरीका कैसे है वो आप देखेंगे तो आपको और भी इजी लगेगा। और एक न्यू फ्लेवर के साथ आप राइस को खा सकते हैं। अब मैं इसमें शिमला मिर्च और गाजर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो और भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, बीन्स, कॉलीफ्लावर और जो भी आपके पास अवेलेबल हो चाइनीज़ रेसिपी के लिए। मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने वही लिया है। ये देखिए मैंने हल्का सा वेजिटेबल को सॉटे किया और साथ में अब इसे सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। नमक हम अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लेंगे। मैं फ़िलहाल वेजिटेबल्स के लिए जितनी नमक लगे उतनी ही नमक डाल रही हूँ। और हल्के हाथों से इसे हम फिर से चलाते रहेंगे। और अब बारी आती है ये सेजवान फ्राइड राइस की। ये चिंग का मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल है। ये 10 रुपीज़ का पैकेट आता है। बहुत ही यमी राइस इससे बन सकती है। ये देखिए ये मैं वेजिटेबल्स में ये सेजवान राइस मसाला ऐड कर दे रही हूँ। और अब मैं इसमें साथ में राइस भी ऐड कर रही हूँ। मसाला ऐड करने के बाद हमें ज़्यादा नहीं चलाना, हल्के हाथों से बस मिक्स करेंगे। और अब इसे राइस के साथ हम इक्वली चलाते रहेंगे। ये देखिए इस तरह से हम अच्छे से मसालों को मिक्स कर दे रहे हैं। सारे वेजिटेबल्स को राइस के साथ मिक्स कर दे रहे हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, हमारा राइस ऑलमोस्ट रेडी ही है। बस हमें इतना ही करना था। और अगर इस राइस का फ्लेवर टेस्ट करेंगे रियली में ये बहुत ही यमी लगता है। ये देखिए मैं राइस को खाली कर दे रही हूँ एक बोल में। और खाली करने के बाद मैं उसी में एक ग्लास पानी मैंने ऐड किया है। उसी कढ़ाई को मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी इसमें थोड़े मसाले रह जाते हैं फ्लेवर के। और इसमें मैं मनचाओ सूप डाल रही हूँ। आप चाहे तो सूप का कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो। मुझे मनचाओ सूप का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं वो रेडी कर रही हूँ। और ये देखिए मैंने एक बोल में किस तरह से राइस को निकाल लिया है और अलग रख रही हूँ। और यहाँ मैं सूप को जल्दी जल्दी रेडी कर देती हूँ। ये देखिए बॉयल आने लगा है सूप में। और सूप की जब थिकनेस आपके लायक हो जाए, आपको लगे कि अब वो रेडी है, तो आप इसे गैस को बंद कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ मैंने रेडी कर लिया है अपने डाइनिंग स्पेस के एरिया में, डाइनिंग टेबल पे रख दिया है ये राइस बना के। और मैं अपनी प्लेट में सूप भी निकाल ली हूँ। हमने सूप रेडी कर लिया और मैंने एक बोल में निकाल लिया है। और मैं आपको इसे प्रेजेंट करने का एक अनोखा तरीका बता रही हूँ। ये देखिए मैं एक छोटी सी बोल ली हूँ, इसमें मैं राइस को डाल रही हूँ। राइस को इसमें अच्छे से डालने के बाद हम ऊपर से थोड़ा प्रेस कर देंगे ताकि राइस उसमें अच्छे से फिट आ जाए। ये देखिए मैं इसे कुछ प्रेस कर दे रही हूँ अच्छे से।
और कोई गेस्ट आपके घर में आए, कोई भी आए, आपके पास कुछ भी इतनी ही सब्जियां हो, आप उससे ही एक बहुत टेस्टी फ्लेवर की राइस बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसे फिट किया है बोल में, और इसे हम कैसे डालेंगे, इस तरह से पलट देंगे और कुछ इस तरह से उठा लेंगे उस बोल को। और ये देखिए, ये हमारा प्रेजेंटेशन कितना अच्छा लग रहा है, सूपी राइस हमारा। राइस में आप सूप को ऐड करें और एंजॉय करें ये टेस्टी लंच। मेरे बच्चे तो इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है। आप ज़रूर इसे ट्राई करें, बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही सस्ती, चीप एंड बेस्ट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।